फ्रेंड्स, सो आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस जो कि सिर्फ 2 मिनट में बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। तो हमने यहाँ पे प्री कुक्ड राइस लिया है, ऑलरेडी बना हुआ राइस एक बोल में आप देख सकते हैं। फिर कटे हुए प्याज, लंबे कटे हुए प्याज और श्रेडेड गाजर और पीस लिया है। ये दोनों गाजर और पीस हमने बॉईल कर लिया है पहले, और नमक स्वाद के लिए थोड़ी सी चीनी, सोया सॉस और सोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनामोटो जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अजीनामोटो टेस्ट के लिए। अभी हम चलिए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही सिंपल वेज फ्राइड राइस। हमने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच अभी तेल लिया है, वेजिटेबल ऑयल। तेल गरम होने के बाद पहले आप प्याज डालिए, प्याज को आप यहाँ अच्छे से फ्राई कर लीजिए। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बाद हम सारा बाकी का डालेंगे। देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो रहा है प्याज का, थोड़ा सा ट्रांसलूजेंट ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसके बाद सारा जो वेजिटेबल है, श्रेडेड गाजर, खिसा हुआ गाजर और पीस हम अभी डालेंगे और फ्राई करेंगे अच्छे से। ये श्रेडेड गाजर से इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आ जाता है आप, और कलर भी बहुत प्यारा आता है, हल्का पिंक कलर का कलर होता है, आप देखेंगे। अभी आप चावल डाल दीजिए सारा, ये ऑलरेडी पकाया हुआ चावल है, पुराना चावल होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अच्छे से आप मिक्स करें। देखिए आप अच्छे से सारा मिलाएं। अभी आप 1 टीस्पून नमक डालिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए आपको जैसा जचे, और अच्छे से मिलाएं। आधा चम्मच चीनी डाल दीजिए आप, अभी 1/2 टीस्पून चीनी, और मिलाइए अच्छे से मिलाइए। सब सारा सब मिल जाए, हम इसके बाद सोया सॉस डालेंगे। ज़रा सा सोया सॉस, अब देख रहे हैं कितना डल रहा है, 1/2 टीस्पून है, और मिक्स कर दीजिए। इसका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो गया है। और अभी हम आखिरी में 1/2 टीस्पून मोनोसोडियम ग्लूटामेट डालेंगे, MSG, बस अब मिलाए, और आपका सिंपल वेज फ्राइड राइस तैयार है।